ये लास्ट वीडियो होगी सीरीज की। इस वीडियो में दो चैप्टर्स की बात करेंगे। चैप्टर 13, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग। अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। अपनी होल्डिंग्स को रेगुलरली रिव्यू करना और अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को भी रेगुलरली रिव्यू करना, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही पार्ट है। और जो रिटर्न्स कंपनी अर्न कर रही है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जरूरी नहीं है कि आप भी वही रिटर्न्स अर्न करोगे। आप रिटर्न्स उतनी ही अर्न करोगे जिस हिसाब से आपने प्राइस पे किया है उस स्टॉक के लिए, वो डिटरमिन करेगी आपकी रिटर्न। लॉन्ग टर्म के लिए इलिक्विडिटी बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बार्गेन्स दिखाई देंगी तब आपके पास पैसा नहीं होगा उन्हें खरीदने के लिए। तो इलिक्विडिटी वाली स्टॉक्स अवॉइड ही करें जिन्हें आप अपने मनचाहे टाइम पे नहीं बेच सकते। फिर ऑथर बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 स्टॉक्स रखो, लेकिन नॉट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। और अगर आपकी ये मेंटेलिटी है कि मैं बहुत सारी स्टॉक्स खरीद लेता हूँ और थोड़ी थोड़ी पोजीशन ले लेता हूँ हर एक स्टॉक में, ये सोच के कि लॉसेस तो ज्यादा नहीं होंगे, तो फिर उनमें प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उनमें से कुछ ही स्टॉक्स होंगी जो कि बहुत ही अच्छी रिटर्न्स देंगी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी सारी चीजें खरीद रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जो आपने चीजें खरीदी हैं वो कितनी अलग हैं एक दूसरे से रिस्क के कंटेक्स्ट में। ऑथर बोलते हैं हेजिंग भी अच्छी स्ट्रेटजी है एक, लेकिन सिर्फ तब जब उसकी कॉस्ट बहुत ही कम हो, तब उसकी हेजिंग प्रॉपर्टीज वैल्यूएबल हो सकती हैं। जैसे ऑथर फिर एग्जांपल देते हैं 1988 1990 के टाइम पे जापानीज मार्केट एक्सेसिवली ओवरप्राइज थी, तो जापानीज लोग बोलते थे कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मार्केट हमारी और मार्केट ऊपर 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 ही जाएगी। उनकी ये सोच थी, इसीलिए उसके अगेंस्ट हेजिंग सस्ते में अवेलेबल थी। तो मार्केट के खिलाफ बैट करके या फिर हेजिंग करके आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट मिड 1990s में 40% से गिर गई थी। और ऑथर बोलते हैं ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। लोग अनवाइसली ट्रेड करते हैं तभी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और ऑथर ये भी बोलते हैं कि अगर आपने कोई सिक्योरिटीज खरीद ली और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सोच रहे हो, लेकिन आप फिर उन सिक्योरिटीज के टच में नहीं रह रहे, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। पास्ट में चाहे वो अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती थी, लेकिन आज की डेट में वो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज इतनी जल्दी आती जाती हैं कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ट्रैक करते रहना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। लेकिन इसकी फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि फिर आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। मार्केट एक्शन देख के आपका भी मन करेगा कि मार्केट के साथ ही चलता हूँ मार्केट के अगेंस्ट जाने की बजाय। तो जो लोग ऐसे इम्पल्सिस रेसिस्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए मार्केट से दूर रहना ही ज्यादा बेहतर है, या फिर फाइनेंशियल प्रोफेशनल हायर करना ज्यादा बेहतर है। तो अब ऑथर बोलते हैं कि स्टॉक्स कब खरीदनी चाहिए। ऑथर बोलते हैं एक ही बारी में स्टॉक्स को बिल्कुल मत खरीदो, जितना आपको खरीदना है उसकी आधी पोजीशन ले लो, फिर देखो स्टॉक ऊपर जा रही है नीचे नीचे जा रही है तो फिर और खरीद लो। क्योंकि अगर आपने फुल पोजीशन एक ही बारी में ले ली, फिर उसके बाद स्टॉक और डिक्लाइन करगी, तो फिर आप देखते रहोगे लॉस को। ऐसे टाइम पे आपके पास पैसा होना चाहिए और खरीदने का, इसलिए आधी पोजीशन लो पहले। और अब बेचनी कब है, ऑथर बोलते हैं कि खरीदनी कब है ये बताना आसान है, लेकिन बेचनी कब है ये बताना बहुत मुश्किल है। ऑथर बोलते हैं पीबी रेशियो इतनी होगी तब बेच दूंगा, पीई रेशियो इतनी होगी तब बेच दूंगा, या फिर इतने परसेंट गेन हो गया मुझे तब बेच दूंगा, ये सारे बेकार फॉर्मूलाज हैं बेचने के लिए। या तो आप तब बेचो जब कंपनी के फंडामेंटल्स डिटेरियोरेट हो गए हैं, चाहे आपको लॉस में क्यों ना बेचनी पड़े, या फिर आप तब बेचो जब आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जैसे कोई कंपनी है उसका शेयर प्राइस अंडरलाइंग वैल्यू के काफी पास तक आ चुका है, अब थोड़ा बहुत ही गेन होगा अगर आप उसको रखोगे ओवर टाइम के लिए, लेकिन मार्केट में आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो उसे बेच के निकलो और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओ। लेकिन अगर अंडरलाइंग वैल्यू से बहुत ही कम है शेयर प्राइस अभी भी और आप बेच रहे हो दूसरी खरीदने के लिए, तो वो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। फालतू के टैक्स बर्डन क्रिएट कर रहे हो आप, और अभी तो है आपकी स्टॉक में दम, तो रखे रखो उसे। और ऑथर स्टॉप लॉस को एक बेकार स्ट्रेटजी बोलते हैं, जैसे कि पीटर लिंच ने भी बताया था। और ऑथर बोलते हैं ब्रोकर ऐसा होना चाहिए आपका जिसके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैटर करती हो, जो अपनी कमीशन से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप पे फोकस करता हो। लास्ट में ऑथर बोलते हैं कि अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और अच्छी ट्रेडिंग ये इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स को एनहेंस कर सकती हैं, लेकिन ये दोनों ही बेकार हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ही बेकार है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बढ़िया है और गुड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हो आप, तो ये सोने पे सुहागा है। इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर 14, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ऑथर बोलते हैं कि अगर ये बुक फेरी टेल होती तो इसकी हैप्पी एंडिंग होती, लेकिन ये फेरी टेल नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग फुल टाइम जॉब है, क्योंकि इतने ज्यादा
इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है रिव्यू करने को, और एनालिसिस इतना ज्यादा करना पड़ता है और इतना कॉम्प्लेक्स है इन्वेस्टमेंट का ये जो प्रोसेस है कि पार्ट टाइम अगर करोगे आप तो बहुत ही कम चांस है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे लॉन्ग टर्म में। तो जो लोग अपनी जिंदगी का अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दे सकते इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को, तो उनके पास तीन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहले म्यूचुअल फंड्स, दूसरा डिस्क्रिशनरी स्टॉक ब्रोकर्स, तीसरा मनी मैनेजर्स। तो पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स आप ऐसे देखो जिनकी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो, लो मैनेजमेंट फीस हो और नो लोड फंड होने चाहिए, मतलब कोई अप फ्रंट फीस नहीं पे करनी पड़ रही आपको सेल्समैन को। और ओपन एंड म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर होते हैं क्लोज एंड से, क्योंकि उनमें रिडेम्पशन फीचर होता है जिससे आपको लिक्विडिटी मिलती है और आप जो करंट नेट एसेट वैल्यू होती है उस पर बेच सकते हो अपना यूनिट्स। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स डरते हैं कि कहीं हम क्लाइंट्स लूज ना कर दें, इसलिए वो रिलेटिव परफॉर्मेंस के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन हो जाती है उनकी। तो ऐसे फंड्स को आप अवॉइड करें, और ऐसे फंड्स जो कि लेटेस्ट मार्केट फैड में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी अवॉइड करो। जैसे बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट थिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी नेक्स्ट थिंग है, ऐसी कंपनीज में करेंगे तो जिन कंपनीज के रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसी कंपनीज में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स तो उनसे दूर रहो। फिर उधर अच्छे म्यूचुअल फंड्स के एग्जांपल देते हैं, जैसे म्यूचुअल सीरीज फंड्स थे माइकल ब्राइस और मैक्स हाइन के, और सिक्योरिया फंड था बिल रोएन और उनके साथ थे जो गनिफ। जो अच्छे फंड्स होते हैं वो नए इन्वेस्टर्स के लिए बंद हो जाते हैं ज्यादातर। अब दूसरे और तीसरे के बारे में बात करते हैं, डिस्क्रिशनरी स्टॉक ब्रोकर्स एंड मनी मैनेजर्स। तो अगर डिस्क्रिशनरी स्टॉक ब्रोकर है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो इसलिए क्योंकि स्टॉक ब्रोकर को एक तो कमीशन भी मिल रही है, जितनी ज्यादा आप ट्रेडिंग करोगे उतनी ज्यादा उसकी कमीशन भी होंगी, और दूसरा आपको रिजल्ट्स भी देने हैं उसने। तो क्या करे वो, अगर आपको वो अच्छे रिजल्ट्स देना चाहेगा तो उसे अपनी ट्रेडिंग कम करनी पड़ेगी तो उसकी कमीशंस कम होंगी, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो उनकी इंटेग्रिटी देखनी पड़ेगी स्टॉक ब्रोकर्स की। स्टॉक ब्रोकर्स की इंटेग्रिटी देखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ये देखो कि क्या वो अपना पैसा भी आपके पैसे के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्या सारे क्लाइंट्स को वो इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, मतलब क्या लेवल्स हैं कि इन क्लाइंट्स को ऐसे ट्रीट करेंगे, इनको ऐसे करेंगे, क्या पॉलिसीज है उनकी वो देखो फिर। और पोर्टफोलियो का साइज उनके का रीजनेबल है या फिर बहुत ही लार्ज है पोर्टफोलियो, और क्या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करता है मैनेजर, और मैनेजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट रिटर्न या रिलेटिव रिटर्न, और क्या कोई आर्बिट्रेरी कंस्ट्रेंट्स या सिली रूल्स तो नहीं है, जैसे मैं फुल्ली इन्वेस्टेड रहूंगा, स्मॉल कंपनीज नहीं खरीदूंगा। अगर रेगुलेटर्स ने कहा हुआ है तो अलग बात है, लेकिन खुद से कुछ ये बेवकूफी वाले कंस्ट्रेंट नहीं लगे होने चाहिए। इन तीनों के इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स को कैसे इवेल्युएट करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और कितना लंबा है ट्रैक रिकॉर्ड, एक या एक से ज्यादा मार्केट साइकिल में अचीव हुआ है कि नहीं, और क्या ये रिजल्ट सेम बंदे ने अचीव किया था जो आपका पैसा मैनेज करेगा, या वो मैनेजर छोड़ के भाग गया, दूसरा मैनेजर आ गया उस कंपनी में अब, और क्या रिजल्ट्स स्टडी थे इन्वेस्टमेंट होराइजन के टाइम पे या वोलेटाइल थे बहुत ही ज्यादा, और जो इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है वो क्या दो तीन स्टॉक्स की वजह से ही है या बहुत सारी स्टॉक्स विनर थी उनकी वजह से है। और ऑथर बोलते हैं फिर उन घोड़ों पे अपने पैसे मत लगाएं जिन्होंने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया हो, बल्कि अगर किसी बंदे का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन रिसेंटली पुअर परफॉर्म कर रहा है तो वो फिर भी ठीक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज कर रहा हो जो रिसेंटली आउट ऑफ फेवर है। और आपकी खुद की कंपैटिबिलिटी मैनेजर के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में ऑथर बोलते हैं कि आपको बहुत टाइम लगा है ये वेल्थ क्रिएट करने के लिए जितनी आपने क्रिएट किया, तो आपकी फाइनेंशियल वेलबींग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके साथ आपको ऐसे ही खेलना नहीं चाहिए। और ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करो और रिक्वायर्ड टाइम और अटेंशन दो इन्वेस्टिंग को, अगर खुद करना चाहते हो तो, नहीं तो फिर एक प्रोफेशनल हायर कर लो, अपने पैसे के साथ मत खेलो ऐसे। तो इसी के साथ ये वीडियो सीरीज खत्म होती है, अगली वीडियो सीरीज में हम सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेंजामिन ग्राहम की बात करेंगे।